हेलो फ्रेंड्स, आज हम सीखेंगे किसी राह पे किसी मोड़ पर गाने का अंतरा। स्थाई हम पहले सीख चुके हैं, अब हम सीखेंगे अंतरा। ठीक है, तो एक बारी मैं आपको बता देता हूँ इसकी सरगम और उसके बाद गाना और उसके बाद हाउ टू प्ले दिस सॉन्ग। ठीक है, तो इसके अंदर शुद्ध नी और शुद्ध ध लगेगा, यानी कि देखिए ये था कोमल नी जिसे हम सी बोलते हैं, और ये वाली फिंगर इसके साथ यूज हो जाएगी तो बन जाएगा शुद्ध नी। ठीक है, और ये था हमारा धा, ये तीन फिंगर बन करके हम बजाते थे धा, तो अब शुद्ध नी बन जाएगा ये वाला, ये लेफ्ट हैंड की छोटी फिंगर। ठीक है, अब हम अंतरा शुरू करते हैं। पहले एक बारी सरगम बता दूं इसकी मैं, अकॉर्डिंग टू वही कीबोर्ड जो था हमारा, हमने लिया था डी मेजर स्केल और अकॉर्डिंग टू सैक्सोफोन लिया था हमने ये बी मेजर स्केल। स्केल एक बारी बता दूं फिर से, उसके बाद फिर मैं आपको इसका ट्यूटोरियल बता देता हूं। ठीक है, गाना उसका मैं आपको बजा के दिखा देता हूं। ठीक है, तो ये गाना जो है ये बजेगा आपका शुद्ध नी से। तो शुद्ध नी से मैं शुरू करता हूं गाने को। फिर से एक बारी बजेगा ये। ये तो वही जो हमने स्थाई बजाया था वैसा ही बजेगा। ठीक है, किसी राह पे किसी मोड़ पे जो है ये वही वाला बजेगा, बस शुरू की जो दो लाइन है वो चेंज है, बाकी तो वो स्थाई वाला ही बजाना है। तो मैं आपको जो स्वर लिख कर दूंगा वो पहली दो लाइन जो हमने बजाई है, ठीक है, उसकी लिख कर दूंगा। ये तो हमारा पहले वाला ही है जो हमने स्थाई में सीखा था। तो ये हो गया आज आपका ये गाना पूरा, किसी राह पे किसी मोड़ पे। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में नेक्स्ट सॉन्ग के साथ। थैंक यू वेरी मच।